जब साहबदीन साहब थे तब नहीं घोटा रहा था, साहबदीन साहब कीचड़ केस में गवाह बन जाना, उन्हीं को विरोध करना। इस आज दुर्भाग्य है जो नहीं है हम लोग साहबदीन साहब, ये बहुत दुख की बात। पूरा जिला में एक वही थे, बाकी लोग वही उनका दुश्मन जानकर बन गए, वही उनके केस में, वही उनके ऊपर कीचड़ उछालने लगे, ऊपर गलत गलत आरोप। साथी भाई, साथी कैसा कि अच्छे दिन था हम रहेंगे, अब जब दिन मेरा खराब हो जाएगा तो साथ छोड़ के भाग जाएंगे, तो कैसे साथी गद्दार नूंगा जी। उनका परिवार जान रहा है, फैमिली जान रहा है, सिवान के सारे लोग जान रहे हैं कि आप किस तरह उनके साथ किए हैं। वो आज जब तक ये धरती रहेगा तब तक साहबदीन साहब के साथ का किए हैं वो एक मिसाल बना हुआ है और बराबर वो रहेगा। जब साहबदीन साहब थे तब नहीं घोटा रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, साहबदीन साहब पर कीचड़ उछाल रहे थे, उन्हीं का केस में गवाह बन जाना, उन्हीं को विरोध करना। अब इस आज दुर्भाग्य है जो नहीं है हम लोग के बीच में, मरहूम डॉक्टर साहबदीन साहब, ये बहुत दुख की बात है। कहा जा रहा है कि सबसे हम पुराना साथी थे साहबदीन साहब के, साथी की जब शुरुआत हुई तो शुरुआती दौर में हम उनके साथ वही साथ थे, वही पूरा जिला में एक वही थे, बाकी लोग नहीं थे। ऐसे वही उनका दुश्मन जानकर बन गए, वही उनके केस में गवाह बन गए, वही उनके ऊपर कीचड़ उछालने लगे, वही उनके ऊपर गलत गलत आरोप लगाने लगे। कैसा साथी भाई, साथी कैसा कि अच्छे दिन था हम रहेंगे, अब जब दिन मेरा खराब हो जाएगा तो साथ छोड़ के भाग जाएंगे, तो कैसा साथी, ये तो साथी गद्दार नूंगा जी। कहा जा रहा है कि सर जिंदगी में एक ही आदमी से मित्रता हुई हो थे साहबुद्दीन साहब, उसके बाद किसी से मित्रता नहीं हुआ, करना भी नहीं चाहिए उसी आदमी को, ऐसे सबसे बड़ा गद्दारी है, करना भी नहीं। उनका परिवार जान रहा है, फैमिली जान रहा है, सिवान के सारे लोग जान रहे हैं कि आप किस तरह उनके साथ किए हैं। वो आज नहीं, वो सिवान का एक मिसाल बन गया है, सिवान में जब तक ये धरती रहेगा तब तक साहबदीन साहब के साथ का किए हैं वो एक मिसाल बना हुआ है और बराबर वो रहेगा। जनरेशन आने नया और पुरान होते रहेगा, उसमें आते जाते रहे। क्या मिसाल बन गया है ये बताइए, उस पर रोशन डालेंगे आप, बता रहे हैं कि मिसाल बन गया है साहबुद्दीन साहब। साहबदीन साहब, देखिए साहबदीन साहब गरीबों का जन जन के नेता थे ना, साहबदीन साहब के लोग जितना कीचड़ उछालो ऐसा आदमी नहीं थे। साहबदीन साहब हम लोग के बीच के बहुत, वो राजेंद्र बाबू का दूसरका उनका स्थान था, राजेंद्र बाबू का जो धरती है दूसरका स्थान था। साहबदीन साहब का देश विदेश में हर जगह नाम है, हर जगह लोग फोटो लगाए हैं, से बहुत माने हम लोग का गार्जियन थे। अच्छा सर देखिए तो ये अच्छा काम किए हैं मनोज सिंह, फिर उनके साथ जुड़े रहते थे या फिर वो हटे क्यों? देखिए वही तो बात हम कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि साथी हमारा एक ही थे, तो क्यों भाई उन्हीं के ऊपर आप कीचड़ उछाले, उन्हीं के ऊपर क्यों ऐसा काम किए जो उनके केस में गवाह बन गए, उल्टा उनके साथ सब कुछ उनके विरोध में आप बोलने लगे, आज वो अच्छा लग रहे हैं नहीं है इस धरती पर, तो क्या गुहार लगाएंगे, क्या कहेंगे अंत में? देखिए हम लोग तो आए ले प्रशासन के ही साथ चले हैं, प्रशासन के साथ रहे हैं, प्रशासन से पूरा उम्मीद है, 101% उम्मीद है। प्रशासन जाँच कर रही है, प्रशासन के काम है, देश का जो संविधान बन रहा है बना हुआ है उसके साथ प्रशासन काम करती है, वो आगे भी काम करेगी, जांच पड़ताल करके सही से दूध के दूध पानी के पानी अपना लाएगी, जो सही होगा उसके लिए हम लोग सक्षम हैं, उसका प्रशासन के हम लोग एक जिम्मेवारी पूर्वक कहते हैं कि भाई प्रशासन सही दिशा में काम कर रही है। ठीक लोग के कहने से क्या होगा।